मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई है। विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व सीएम कमलनाथ ने गुरुवार को विशाल रैली के साथ छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पहले कमलनाथ छोटी बाजार पहुंचे। यहां उन्होंने श्री राम मंदिर और बड़ी माता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद कमलनाथ शाम टॉकीज के पास स्थित प्राचीन राम मंदिर पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए। कमलनाथ लोगों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस की ही आएगी। शिवराज सिंह जी ने, मैं पूछता हूं, 18 साल में आपने कहां भिगेला? भ्रष्टाचार में छिंदवाड़ा में तो डरते हैं आप। छिंदवाड़ा की तुलना मत करिए किसी और जिले से, यहाँ तो डरते हैं। दूसरे जिले में जाइए, कैसे खाद और बीज के लिए भटकना पड़ता है। और मध्य प्रदेश का तो हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। सही बात है, ये शिवराज सिंह जी ने हमें दिया। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूँ, शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? महंगाई दी, भ्रष्टाचार दिया, चौपट प्रदेश दिया, पर एक और चीज शिवराज सिंह जी दी, घर घर में शराब दी, ये शिवराज सिंह जी ने दी। ग्रामीण भारत टीवी के लिए छिंदवाड़ा से निखिल वाजपेयी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।